बीसीसीआई देगी अफगानिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ी सौगात, पाकिस्तान को दिला दी जाएगी उसकी असली औकात। हाँ पाकिस्तान वालों रोने मत लगना, रोने मत लगना कि भारत पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहा है, भारत अफगानिस्तान को क्यों इतना मान रहा है। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत में समझिए तो वही दोस्ती चल रही है जो कभी जय और बीरू के बीच चलती थी। आपको पता होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत मना की है कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान खेलने, तो एक साइड से अफगानिस्तान भी हाथ खड़ा कर लिया है कि हम भी नहीं जाएंगे खेलने। तो भारत के साथ अफगानिस्तान हमेशा स्टैंड लेकर खड़ा होता है, तो क्यों नहीं उसका साथ दिया जाए। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान को हर चीज में भारतीय टीम मदद करती है, बीसीसीआई मदद कर रही है, चाहे वो ग्राउंड से लेकर क्रिकेट को बढ़ावा देना हो, या क्रिकेट के बीच और या अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीरीज खेली जाती है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे भी अफगानिस्तान क्रिकेट बहुत आगे बढ़ती है। और भारत का ही देन है जो अफगानिस्तान क्रिकेट अभी इतना आगे तक जा चुकी है। जो फंडिंग होता है वो बीसीसीआई ही अफगानिस्तान के ज्यादातर चीजों में करती है, और एक बड़ा फैसला लेने वाली है बीसीसीआई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिल करके। जो अशरफ साहब है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो अभी अफगानिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, उनसे जय शाह की कुछ मीटिंग हुई है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आ पाया है। अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। अब आप कहिएगा कि आपको अंदर की खबर कैसे मिल गया, आप आईसीसी के चेयरमैन है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष है, लेकिन हम कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं क्रिकेट के बारे में हम भी नॉलेज रखते हैं बाबू। तो इतना जान लीजिए कि अभी बात इस बात को लेकर चल रही है, बीसीसीआई के सचिव जय शाह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अशरफ साहब ने दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मीटिंग हुआ है, एक बात ये कहा जा रहा है कि जो भारत में आईपीएल होता है उसी के तर्ज पर अफगानिस्तान में एपीएल कराने का आयोजन किया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के में जो और जो एपीएल अफगानिस्तान प्रीमियर लीग होने वाला है उसमें जितने भी टीमों के ओनर होंगे वो भारतीय टीमों के ओनर होंगे जो आईपीएल में ओनर होते हैं। जी हाँ, आईपीएल के ओनर ही अफगानिस्तान क्रिकेट में जा करके वहाँ के एपीएल में ओनरिंग करेंगे, प्लेयर को खरीदेंगे, और इससे अफगानिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान इसलिए रोने लगा है कि जो ये एपीएल होगा अगर, तो या तो फरवरी मार्च में होगा, या तो आईपीएल से जस्ट पहले, या तो आईपीएल के जस्ट बाद होगा। तो अगर फरवरी मार्च में एपीएल हो गया तो फिर पाकिस्तान के जो भिखारी पीएसएल करवाते हैं वो सब बंद हो जाएगा, उनका दुकान ही बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उनका। हाँ, कोई मतलब नहीं रह जाएगा पीएसएल खेलने का, कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा भाई। जब उसी समय पर उसी विंडो में जब एपीएल होगा तो उस समय जो भारतीय ओनर होंगे, जो आईपीएल के ओनर है, मुंबई इंडियंस के ओनर हो जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के हो जाएंगे, कलकत्ता नाइट राइडर्स के, तो जब ये ओनर जब रहेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ तो ये तो पैसा भी ज्यादा देंगे प्लेयर को, तो फिर पाकिस्तान प्रीमियर लोग पीएसएल को पूछेगा कौन। तो ये खबर अभी ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट नहीं हुई है, और ये शायद आगे बढ़े या ना बढ़े ये तो वक्त बाद बताएगा, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट के सचिव जैसा इस दोनों मसला पर बातें कर रहे हैं। और हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट को हमेशा से इंडिया मदद करती आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक तो हो गई ये खबर, और इसी सिलसिला में आज हम एक और बात कर लेते हैं कि भारत जो श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है उसकी टीम अनाउंस कर दी गई है, और उसकी टीम कुछ इस प्रकार से है। T20 की टीम अलग है और वनडे की टीम अलग है। T20 की टीम की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है। जी हाँ, सूर्या कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है, और शुभमन गिल को उप कैप्टन बनाया गया है, और हार्दिक पांड्या को कुछ नहीं बनाया गया है, एज ए प्लेयर खेलेंगे। अब आप सोच कर देखिए, वर्ल्ड कप जब भारत खेलने गई थी उस टीम में भी तो सूर्या थे, उस टीम में तो गिल नहीं थे, और हार्दिक पांड्या एज ए उप कैप्टन गए थे खेलने, और जब वो वर्ल्ड कप जीत करके आए और अच्छा प्रदर्शन भी है उनका, ऐसा नहीं है नहीं है, अच्छा प्रदर्शन भी है, और फिर से उनको साइड कर दिया गया है टीम के उप कप्तान से, कप्तान से। मतलब ये भारत की जो अभी क्रिकेट में राजनीति चल रही है ये समझ से परे है। और गौतम गंभीर साहब जब कोच बने हैं और सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाना तो लाजमी है, क्योंकि उनके साथ वो खेले हुए हैं, उनके लाइकिंग में वो प्लेयर आते हैं, उनके टीम में वो लॉबी में वो प्लेयर आते हैं। सूर्या कुमार यादव कहीं से अभी कैप्टन बनने के लायक नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी टीम में है, बताइए। और ऋतुराज गायकवाड़ को साइड कर दिए हैं, सुमन गिल को आप ले लिए हैं, क्या आपके पास ओपनर की कमी थी? यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे हैं, संजू सैमसन भी है, ऋषभ पंत भी है, शिवम दुबे भी है, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, बहुत सारे प्लेयर है, 15 प्लेयर चुने गए हैं,
लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का कहीं कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हम जब बोले थे कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी हो रही है तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी। अब समझ में आ रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को साइड किया जा रहा है कि नहीं बीसीसीआई के द्वारा। यहां तक कि वनडे टीम में भी ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं रखा गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों खेल रहे हैं वनडे में, दोनों को रेस्ट नहीं दिया गया है गौतम गंभीर के द्वारा। केएल राहुल की भी वापसी हुई है, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का कहीं से कोई नाम नहीं। अब वो लड़का क्या करे, दावे दौरे पर गए, 77 रन बनाए, 49 रन बनाए, टीम जब आपकी फंसी हुई थी तो टीम को निकाले और उसको आप टीमें से निकाल दिए। गजब है भाई, ये कहां का न्याय है कि उसका T20 में जगह नहीं बनता है और शुभमन गिल साहब का उप कैप्टनसी में जगह बनता है। मैं लिख के दे देता हूं, शुभमन गिल T20 में कभी भी वो स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाएंगे जो इंडिया को जरूरत है। जिसे वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, उसे स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे। हाँ, वनडे टेस्ट तक ठीक है, T20 में शुभमन गिल सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये मेरा दावा है। वेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।